Get up! No. Why? Because I want to sit here. Why? Get up! I don't get up. Why? Get up! Hey! 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 Get up! Go! 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 Get away! Get away! Go! पानी पा दो अपने खाई की किया फड़ा ना ती चौदह नो पानी पा ये लो चंगा पानी मारो अस्सलाम वालेकुम। नहीं पता कि यह वाकया किस मकाम पर कब पेश आया है। यूं लगता है कि जैसे ताज़ा ही सर्दियों का वाकया है और पंजाब पुलिस की वर्दी जो साफ नज़र आ रही है, तो ऐसे महसूस होता है कि कोई ट्रक अड्डा वगैरह है जहाँ पर कुछ फॉरनर्स बैठे हुए थे, जिस शायद गालबन तीन थे, एक उनमें खातून थी। पुलिस वाला आता है, उनको कहता है कि यहाँ से उठ जाओ। फॉरनर्स जवाब में कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। फिर खातून बोलती है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम नहीं उठेंगे। तो पुलिस वाला तैश और गुस्से में आ जाता है, उनका मोबाइल छीनता है। मोबाइल छीनने के बाद उनको गालियां बकता है, हरासा करता है और उनको यहाँ से उठ जाने का कहता है। यूं करते कराते फॉरनर्स उनको कहते हैं कि हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। लेकिन पुलिस वाला गुस्से में आता है, मज़ीद गुस्से में आता है और मज़ीद गुस्से में आते हुए उन पर हाथापाई करता है, उनको ज़दोकोब करता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, हरासा करता है और गालियां बकता है, गंदी गंदी गालियां। उसके बाद एक फॉरेनर उठ के दूसरी तरफ भागता है, कोई दूसरी तरफ भागता है, तो सारे लोग, तीनों जो लोग हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, अपनी चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी चीज़ें भी ये लोग उठाने नहीं देते पुलिस वाले। एक जो फॉरेनर है वो उसको आराम से पुलिस वाले को कहता है कि मेरे से दूर रहो, दफ़ा हो जाओ। लेकिन पुलिस वाला कहता है नू फड़ो और गालियां बकता है। तो जवाब में गोरा पुलिस वाले की आंखों में स्प्रे कर देता है, जिससे पुलिस वाले को और गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागता है और दूसरे अहलकारों को कहता है कि इनके पीछे भागो, इनको पकड़ो, इनको मारो, और साथ में गंदी गंदी गलीज गालियां देता है। आईजी पंजाब साहब, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, मेरी आपसे अपील है कि अपने इन बदमाशों को, इन सांडों को लगाम डालें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता है, ये तो अब ज़रा लिहाज नहीं करते, ना औरत का लिहाज कर रहे हैं, ना बच्चियों का लिहाज कर रहे हैं। कि कल मेरे साथ वाकया हुआ, मेरी बच्ची, मेरी बेगम साथ थी मेरे, ठीक है, और आपके जो ट्रैफिक वार्डन साहब हैं, जो बहुत सुलझे हुए और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो
आपसे बड़ी ही मुअद्दिबाना इल्तजा है, गुजारिश है, ठीक है, कि आप इनको लगाम डालें, इनकी अखलाकी तरबियत करें। आप थाने सोने के बना दें, आप थाने जिस तरह मर्ज़ी बना दें, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, और बहुत ही इसकी ज़रूरत भी थी, अरसा दराज से ज़रूरत थी, लेकिन इनकी अखलाकी तरबियत भी करें, इनके अखलाकी सेशन करें, और इनको साइकेट्रिस्ट इनके लिए हायर करें, इनको ना साइकेट्री के सेशन इनके साथ कराएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तकरीबन 70-80% जो है ना पंजाब पुलिस के जवान और ये SHO तक कामला, ये ज़्यादातर पागल है वहाँ पे। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि कल जब मेरे साथ वाकया हुआ ना, तो वहाँ पर जो वार्डन थे वो अपने बड़े अफसर के लिए जगह खाली करा रहे थे, ट्रैफिक क्लियर करा रहे थे। उनको हमारी कोई परवाह नहीं थी कि हम लोग वहाँ फंसे हुए हैं, स्कूल के बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, स्कूल की वैंस फंसी हुई थी, आम पैदल चलने वाले भी फंसे हुए थे, चूँकि पानी खड़ा हुआ था और सर्विस रोड ब्लॉक थी, ठीक है। लेकिन ये लोग उल्टा हमें वहाँ कानून सिखा रहे थे कि आप गलत आए, आप फलाना कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई अकेला नहीं था, वहाँ सैकड़ों लोग थे जो वन वे आ रहे थे। वो इसलिए वन वे आ रहे थे कि जो सड़क है, सर्विस रोड है दुल्लो खुर्द की, फिरोजपुर रोड दुल्लो खुर्द की, वो जब से मेट्रो बनी है तब से उसको ठीक से नहीं तामीर किया गया, वो टूट फूट का शिकार है, उसके अंदर मेन होल्स हैं बड़े बड़े, और कईयों के ऊपर ऐसे हैं कि उनके ऊपर ढक्कन ही नहीं है। फिर जो टेली कम्युनिकेशन वाले गड्ढे खोदते हैं वो उनको सही से फिल नहीं करते, वो तकरीबन 6-6 इंच और फुट फुट तक के गड्ढे हैं, ठीक है। तो वहाँ पानी खड़ा हुआ था, लोग वहाँ गिर रहे थे पानी के अंदर, तो लोगों ने फिर मेन रोड के ऊपर सर्विस रोड से की बजाय मेन रोड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन आपके चीते बजाय के इसको क्लियर करके आवाम के लिए सहूलत पैदा करते हैं, उन्होंने अफसर को सहूलत दी सिर्फ, और उसके बाद सारे तितर बितर हो गए। अफसर साहब को मैंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ी सी मेरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने शीशा बंद कर दिया। आपसे एक और मेहरबानी है कि इन सारे अफसरों के बशमूल अपने ये जो काले शीशे हैं ना, ये बंद कराएं, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी आपके दर्शन हो अंदर कौन सी हस्ती बैठी हुई है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने शीशा ऊपर किया और शाने बेनियाजी से चले गए।